गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। लास्ट वीक में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया है, एम्प्लॉयमेंट चेंजेस आई हैं और जो एफओएमसी की कुछ स्पीक्स आई हैं, उनमें डॉलर बहुत ज़्यादा बुलिश मूव कर गया है। उसमें हॉकिश बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं, जिसकी वजह से डॉलर के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस इन फ्यूचर भी हैं। सो डॉलर अगर इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग होता रहता है तो गोल्ड कहाँ जाएगा, ऑयल के अंदर क्या होगा और पूरा वीक हमारा कैसा रहेगा, चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज रील नवाज एंड वेलकम टू forexustad.com। अगस्त से लेके 28 अगस्त तक मार्केट कैसा बिहेव करेगी, सबसे पहले हमने फंडामेंटल को स्टडी करना होता है। तो फंडामेंटल में हमारे पास सबसे पहले यूरो की दो न्यूज़ आ रही हैं जो कि बिग है, 12:30 बजे हैं ये पाकिस्तानी टाइम मंडे वाले दिन। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं, GDP क्वार्टर बाई क्वार्टर USD है एंड फेड चेयर पॉल स्पीक और एक है जी जैक्सन की कोई स्पीक है आई थिंक सो, ये ऑल डे चलेगी। सो ये कोई भरपूर इवेंट नहीं है पूरे वीक में। सो सबसे पहले चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर और मंथली को स्टडी करते हैं जी। हम फंडामेंटली तो हमारे पास सिर्फ 2-3 स्पीक्स हैं। मंथली में आपको नज़र आ रहा है कि एक लंबी सी वीक है जो कि हमें लास्ट वीक भी नज़र आई थी, लास्ट वीक के एनालिसिस में भी हमने बात की थी इसी वीक की। वो वीक उतनी की उतनी है और बॉडी भी उतनी की उतनी है, कोई इतना खास चेंज आया नहीं। एनी हो, हम आगे चलते हैं वीक वन की तरफ। वीक वन में एक बहुत ही गैर मामूली कैंडल है, मैं थोड़ा सा इसको आगे कर देता हूं। छोटी सी कैंडल बनी है बनिस्बत लास्ट वीक के, ये आप चेक करें। पिछले वीक कितनी बड़ी कैंडल थी और इस वीक उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं, कैंडल कुछ भी नहीं। और इसकी भी एक लंबी वीक है आपको नजर आ रही है, तो ये शो कर रही है कि मार्केट में तनाव भरपूर है। ओके जी, अगले वीक की कैंडल कुछ इस तरीके से हो सकती है, वो भी एक बैरिश कैंडल के रूप में उसको आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं जी डे वन की तरफ। डे वन में आपको बड़ा ही ज़बरदस्त पैटर्न लास्ट वीक भी मैंने दिखाया था ये वाला, इस पैटर्न की वजह से मार्केट ने इतनी बड़े जंप मारे हैं एंड जाके इसने हमारे सीधा मूविंग एवरेज लाइन को टच किया है और 1780 वाली रेजिस्टेंस लाइन को टेस्ट किया है। इसके बाद मार्केट नीचे नहीं आ पाई और अभी भी मार्केट स्ट्रगल कर रही है। लास्ट 1, 2, 3, 4, 5 डेज से ये 1775 से लेके 1700 की रेंज में चल रही है। प्रॉपर 1800 को भी टेस्ट नहीं कर पाया मार्केट ने, तो ये 25 समझ लें के दरमियान यानी कि 1775 से लेके 1800 के दरमियान मार्केट मूव कर रही है और उसमें से भी मोस्टली मूव जो है वो 1795 से डाउन ही है। सो इस वीक में अगर मार्केट हमारी मूविंग एवरेज लाइन और 1800 को क्रॉस करती है तो हम लोग इसको बाय साइड में देख रहे हैं, अदरवाइज नहीं। अगर मूविंग एवरेज लाइन के साथ टकराव जो हो रहा है वो जारी रहता है और मार्केट 1800 वाली हमारी जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक नहीं कर पाती तो हम मार्केट को शॉर्ट करने की एंट्री ही तलाश करेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट बुलिश इतनी जान नहीं है और बैरिश की भी ये इतनी बड़ी वीक हमें यही दिखा रही थी कि बैरिश में भी जान नहीं है। सो ये समझ लो कि मार्केट एक जगह पे फंस गई है पिछले पूरे वीक में। अच्छा, इसको निकालने का भी एक तरीकाकार है, वो भी हम पैटर्न ड्रा कर सकते हैं।
H4 में आ जाए, H4 में आके हमने एक छोटा सा पैटर्न ड्रॉ करना है जी। ले जी, हमारे पास एक विंडो हमने ड्रॉ कर ली है, जो के विंडो का हाई है 1795 ऑलमोस्ट, यस, और इसका जो लो मैंने रखा है वो मैंने रखा है 1775। तो ये मैंने एक मार्केट को एक पैटर्न में कैद कर लिया है। मार्केट या तो इसको बुलिश साइड पे ब्रेक करे या फिर बेरिश साइड पे ब्रेक करे। सो हाई 1800 तक हम इसका देख रहे हैं, अगर वो हमारी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लेती है और डे वन में ये हमारे मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेक कर लेती है, तब भी हमें 2-3 दिन लगेंगे बुलिश की कैंडल कन्फर्म होने में, ताकि वो एक दफा ब्रेकआउट करके उसकी कन्फर्मेशन करे, लाइक इस तरीके से। सबसे पहले वो ब्रेकआउट करे, फिर वो नीचे आकर कन्फर्मेशन करे और फिर वो बुलिश साइड पे मूव करेगी, तभी हम इसको वैलिड पैटर्न मानेंगे। 2-3 किस्म के कन्फर्मेशन हो जाएंगी, एक तो रेजिस्टेंस लाइन भी टूट जाएगी, उसकी भी कन्फर्मेशन का वेट करना है, एक जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया है एक डब्बा सा, ये इसको भी ब्रेक कर लेगी और मूविंग एवरेज लाइन को भी। तो 3 तरीके से ब्रेक करेगी मार्केट, तब जाके मार्केट एक बुलिश ट्रेड हमें अच्छी देगी। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई एक चीज भी नहीं होती तो ये एक गुड बुलिश कॉल नहीं होगी। वी आर नॉट गोना बाय गोल्ड एट दिस स्टेज एज वेल, जहां पे स्पीक्स हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करने जा रहा कि आप गोल्ड को इस स्टेज पे बाय करें। हाँ, अगर ये बैरिश साइड पे इसको ब्रेक कर देता है तो रोशन चांसेस हैं इसके सेल में जाने के, और हम बड़े अच्छी एक सेल की एंट्री इसमें हमें मिल जाएगी। जबकि आपको पता है डे वन, ये देखिए जी, डी वन में भी मार्केट जो है वो कैंडलस्टिक मूविंग एवरेज लाइन से नीचे ही है और मूविंग एवरेज लाइन का झुकाव भी नीचे को ही है। इसके अलावा अगर आपको मैं दिखाऊं H4 में भी, H4 में ब्रेकआउट हो चुका है जी, H4 में ब्रेकआउट हो चुका है, विच इज गुड साइन फॉर अस कि अगर हम बुलिश की ट्रेड फाइंड कर रहे हैं तो डेट मीन के H4 में अगर ब्रेकआउट हो गया तो D1 में भी ब्रेकआउट होने की पूरे पूरे चांसेस हैं। लेकिन H1 में जी मेरे ख्याल से ये कैंडलस्टिक, ये देखिए H1 में जैसा ये बिल्कुल गुत्थम गुत्था हो गई है मूविंग एवरेज लाइन के साथ। तो एट दिस स्टेज अगर मैं मूविंग एवरेज की ही बात करूं तो मूविंग एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको अभी फिलहाल बाय नहीं कर सकता, और ना ही मेरे पास एक अच्छी फिलहाल सेल की अपॉर्चुनिटी है, अनटिल अनलेस के 1775 की सपोर्ट को ब्रेक किया जाए और सपोर्ट के बाद कंफर्मेशन दी जाए, जस्ट लाइक दैट। यहां पे और फिर उसके बाद हम 1755 तक इसको सेल में देख रहे हैं। सो कंक्लूडिंग की तरफ आ जाते हैं, यानी कंक्लूडिंग ये है मेरा कि अगर मार्केट मेरे पैटर्न को, बनाए हुए पैटर्न को ब्रेक कर दे 1775 से नीचे आ जाए और उसकी कंफर्मेशन दे दे तो मैं इसको एक सेल की एंट्री देखूंगा 1755 तक। लेकिन अगर वो भी अगर आपको दिखाऊं मैं तो H1 में भी मूविंग एवरेज की वो उसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा एंड H4 का भी मूविंग एवरेज उसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तभी वो जाके 1755 तक पहुंचेगी। सो ये था मेरा कंक्लूजन। मैं मार्केट को 1755 इवन 1737 तक भी सेल करने के लिए तैयार हूं, अगर वो मेरी डे वन की सपोर्ट को ब्रेक कर दे और नीचे आ जाए। सो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीकली एनालिसिस पसंद आए होंगे। अगर आए हैं तो लाइक का बटन प्रेस करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मैं इंशाल्लाह वीक में 2 दिन लाइव आने की कोशिश करूंगा, और लाइव आने से पहले पहले मैं आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे बता दूंगा कि मैं फलां दिन लाइव आ रहा हूं, एंड लाइव आके इंशाल्लाह फंडामेंटल ट्रेडिंग करेंगे जिस तरह हमने लास्ट वीक की थी। स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट आपके सामने हिट होंगे लाइव एंड
लाइव इंशाल्लाह टपाटप गपशप होगी, आपके FAQs क्लियर होंगे। सो गाइज दैट्स इट, ये थे आज के वीकली एनालिसिस इस वीक के, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस वीक आपको डेली YouTube पे हमारे इसी चैनल पे एक वीडियो देखने को मिलेगी। मैं जनाब आपको सिखाने जा रहा हूँ डेली एक नया इंडिकेटर, मैं आपको नई हैबिट, एक कामयाब ट्रेडर की 50 आदत, इसके अलावा मैं क्रिप्टो के एनालिसिस भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि मंगल या बुध वाले दिन एक हमारा क्रिप्टो का एनालिसिस यानी कि बिटकॉइन का बड़ा ही डिटेल एनालिसिस होगा, टेक्निकल भी और फंडामेंटल भी। इसके साथ साथ मैं आपको ब्रोकर्स की अपडेट भी देने जा रहा हूं कि कौन सा ब्रोकर अच्छा है और कौन सा ब्रोकर बुरा है। तो पूरा वीक आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, मैं लाइव भी आऊंगा, मैं शॉर्ट वीडियोस भी डालूंगा इंस्टाग्राम ट्विटर और स्नैपचैट के ऊपर, जनाब मैं बहुत एक्टिव हूं। फेसबुक के ऊपर आपने नजर रखनी है, बेल आइकन लाजमी क्लिक करना है सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे तो एक काम की बात आपको वक्त पे पता चलेगी। वक्त के बाद कोई खबर नहीं होती, कोई सिग्नल प्रॉफिट नहीं देता। जो चीज आपको वक्त पे मिल जाए वही आपके लिए अच्छी है। सो उसके लिए जरूरी है बेल आइकन को क्लिक करना। आपको पता है हमारी पंजाबी में कहावत है, वेले दी नमाज तक कोयले दियां टकरा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।